वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, ये वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग आपका रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डैशबोर्ड दोनों में इसका यूज होता है। आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं फिर भी वीवी का इस्तेमाल होता है, आप रिपोर्ट को ऑटोमेट करना चाहते हैं फिर भी वीवी का इस्तेमाल होता है। तो हमने पिछले जो क्लासेस में हमने आपके साथ बात की कि किस तरीके से वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड है, प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल क्या है, रिकॉर्डिंग माइक्रो कैसे यूज होता है और क्या 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 सपोर्ट्स है, वो चीजों के बारे में डिस्कस किए थे, राइट जी। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि हम किस तरीके से कोड कंसेप्ट को समझेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं डेवलपर टाइम में और विजुअल बेसिक पे जाते हैं, राइट, यहाँ से हम कोड कंसेप्ट को समझेंगे। सर एक बात बताओ जी, कि अगर जब हम कोई भी मैक्रो बनाते हैं रिकॉर्डिंग करके और उसको मैं पर्सनल वर्कबुक में सेव करता हूँ तो वो ना एक के नीचे एक दिखता है मुझे। जी हाँ, ऐसे ही दिखेगा क्या? जी जी, मेरे से पता नहीं क्या हो गया कि मैं बना रखे थे, मैंने कुछ एक पे काम कर रहा था, मैंने कुछ डिलीट भी किया और पर सारे डिलीट हो गए। ओके, तो जैसे आपने मॉड्यूल्स में बनाया था कि और बनाया था आपने मैक्रो? मॉड्यूल्स में। हाँ, तो मॉड्यूल्स रिकॉर्ड, आप मॉड्यूल्स डिलीट करेंगे तब डिलीट होगा ना, बाकी तो डिलीट होगा, फिर आप जाइए उसके बैकएंड में आपको मिल जाएगा सारा। मॉड्यूल 2 में जो भी मतलब था, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो इसमें जो भी रहे होंगे मैक्रो वो सब डिलीट हो जाएंगे। जी जी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जैसे हमने बात किया, हमने आपको लास्ट क्लास में माइक्रो डिक्लेरेशन ही बताया था ना कि माइक्रो कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे माइक्रो टाइप माइक्रो का नेम डिक्लेयर करेंगे, ये भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। हाँ, अब बात करते हैं कि हम लास्ट क्लास में आपको बताया था कि चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो मैं नया मॉड्यूल्स लेता हूँ बुक वन में, सब्जेक्ट और कुछ भी नाम दे दिया मैंने, आर आर दे दिया, ऐसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे हमने बताया था आपको कि हमारे पास मेन चार ऑब्जेक्ट है जिससे हमारा माइक्रो चलता है, एप्लीकेशन, शीट्स, रेंज एंड एक आपका वर्कबुक है, ठीक है। अब हम आपके साथ बात करेंगे इन एप्लीकेशन को, फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, हम वर्कशीट्स एंड रेंज पे हम चलते हैं, इन पे हम बात करेंगे कि इनका क्या बेसिकली यूज है। तो वर्कबुक, अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे एक नई वर्कबुक खरीद ओपन करना है तो हम ये लिखेंगे workbooks.add। तो एक नई वर्कबुक कंट्रोल एम जो हम लोग करते हैं, नई वर्कशीट लेते हैं, वर्कबुक लेते हैं, वर्कबुक आ जाता है, एक नया फाइल जनरेट हो जाएगा आपका, मुझे उसी फाइल को सेव एज करना है। अब देखिए को प्रोग्रामिंग लिखने का क्या पर्पस है, कैसे लिखते हैं, तरीका है, कैसे समझिए क्या है तरीका है। हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट वर्कबुक्स, फिर ऑब्जेक्ट की डिटेल की उस कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे बुक वन डॉट एक्सेलेंस एक्स, ठीक है। सर जब आपने वर्कबुक डॉट एड किया तो ये बुक वन ही क्यों होगा, ये बुक टू भी होगा? मैं आपको समझा रहा हूँ, दो मिनट दीजिए, ठीक है, सेव है, सेव है, 2021/123.xls, राइट, ओके। तो हमने क्या किया, हमने फाइल को, हमने एक फाइल को सेव करने का तरीका क्या है कि आप वर्कबुक या फिर कोई भी कोड, सेव ही नहीं बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी एनीथिंग, कोई भी कोड अगर लिखते हैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, देन मेंबर एंड मेंबर की डिटेल्स, या सिंपली कह सकते हैं कि कहाँ पे किसको क्या करना है और कैसे करना है, समझ गया? अब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं सिचुएशन के हिसाब से आपका कोड चेंज होता है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिचुएशन के हिसाब से हर वर्ड का मीनिंग चेंज होता है ना सर, क्या? हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह से यहाँ भी सिचुएशन हिसाब से चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे वर्कबुक जो हमने ऐड किया है उसको सेव करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं डाला, कोई मेंबर डिटेल नहीं डाला, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिटेल डालना नहीं, क्योंकि नई ऑब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं और मेंबर डॉट ऐड ऐड के बाद कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं डालना, हालांकि डालना चाह डाल सकते हैं बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मेम्बर्स हैं वो आपके इसमें है, ऑप्शनल है,
तो वर्कबुक डॉट एड हमने यहाँ पे लिखा। देखिए जब फाइल ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, राइट, ये तो जानते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बुक वन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि बुक वन जो है हमारे यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि हर बार जब फाइल ओपन होगा तो बुक वन भी बुक टू भी हो सकता है, जैसा कि अभी आपने बताया रुपेश जी। जी तो उस केस में हम इस चीज को जानते हैं, जब भी ऐड होगी जो फाइल ऐड होगी वही एक्टिवेट होगी ना सर। हाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, ठीक है, ये परफेक्टली वर्क करेगा। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कैसे पता चला स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये जो कैप्स जो है ये आपका कैप्स में रह गया, टाइटल में नहीं आया। तो एक्टिव वर्क यहाँ पे आर होना चाहिए, मैं टी लिख दिया, अब देखिए हो गया। तो टाइटल के इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कोड आपका सही है। तो आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्मॉल में कीजिए, नहीं तो कैप्स में कीजिए, ठीक है, टाइटल के इसमें प्रोग्रामिंग मत कीजिएगा, ठीक है। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट एड यहाँ पे एक्टिव वर्क डॉट सेव है, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया और सेव हो गया। तो कोड जो है आपको इस तरह से लिखना होगा। लेकिन तीसरी सिचुएशन एक आती है कि जब मुझे फाइल ऐड करके सेव करना ही है तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं वर्कबुक, हमने यहाँ पे लिखा डॉट सेव एज और फिर ये अपना पाथ दे दीजिए जहां आपको सेव करना है, पाथ एक्सटेंस। अब तीनों में से आपको खुद चूज करना है कि क्या लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका जो बताया ये है, लेकिन इसमें चेंजिंग होते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, राइट। तो हमने यहां पे किसी भी फाइल को किसी एक नई फाइल को क्रिएट करना और एक्टिव फाइल या किसी भी फाइल को सेव सेव एज करना सीख गया, राइट, ओके। अब आप जो है आपका फाइल एक्टिवेट है तो आप एक्टिव वर्कबुक लेंगे, या फिर आपकी कोई आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्कबुक है तो आप इस मेथड को लेंगे, दोनों में से कोई मेथड आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे फाइल सेव करना है, सेव एज सेव करना, कंट्रोल एस करते हैं ना टाइप कुछ चेंजिंग करने के बाद, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको फाइल का नेम पता है तो आप इस तरह से लें, बट आपको फाइल का नेम नहीं पता है, आपको लगता है आपको इतना पता है कोई एक्टिवेट है तो आप एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव लिख सकते हैं, आप चाहते हैं कि पहले से जो पड़ी हुई फाइल है उसको डिलीट करके फिर आगे बढ़े तो किल का फंक्शन अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, किल किल और पाथ दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये पाथ दे दीजिए, उसके बाद आप सेव कर सेव ऐसा कोड डालें, समझे जी। अब यहाँ पे जो अगला ये हो गया, अब फाइल हमने क्या किया सेव करना सीखे, अब हम फाइल को ओपन करना सीखेंगे, यहाँ लिखते हैं वर्क बुक डॉट ओपन, और ओपन कहाँ से करना है उसका पाथ यहाँ दे दीजिए। इसमें और चीज़ें भी है, जैसे मान लीजिए कि मेरे फाइल में पासवर्ड लगा है तो कॉमा 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 पासवर्ड पे अपने फाइल का पासवर्ड दे दीजिए, ठीक है, तो पासवर्ड डाल के फाइल को ओपन कर देगा। अब फाइल ओपन हुई है तो क्लोज भी होगी, अब क्लोज हुई है तो अगर आपको फाइल का नाम पता है तो इसको लीजिए, नहीं एक्टिव है तो इसको लीजिए, ये दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया क्लोज, क्लोज के बाद आपको ट्रू या फॉल्स करना है, क्यों, जैसे आपकी फाइल है उसको आप क्लोज कर दे तो पूछता है डू वांट टू सेव, बोलता है ना सर, तो अगर आपको सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो इस तरह से फाइल को क्लोज कर सकते हैं, राइट राइट। अब एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना, हम लोग ऑल टैप करके जाते हैं ना, जैसे आपने दो फाइल ओपन कर रखी है तो मुझे बुक वन से बुक टू पे जाना, जैसे आपने बुक वन का डेटा कॉपी किया और बुक टू पे आप पेस्ट करने हैं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे वर्क बुक्स, ठीक है, वर्क बुक्स
और यहाँ पे उस बुक जिस पे जाना है उसका नाम कि बुक वन विथ एक्सटेंशन और फिर डालेंगे डॉट एक्टिवेट, ठीक है, तो आपका एक्टिव हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ इसका कोड भी, इस कोड वर्क नहीं करता, इस कोड भी डालते हैं विंडोज का, विंडोज यहाँ पे हम नंबर भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ फाइल का नाम भी दे सकते हैं, डॉट एक्टिवेट। तो ये विंडोज वाला पार्ट कहाँ वर्क करता है, ये आपके एक्सेल में जो व्यू मेनू बार के अंदर में स्विच विंडो होता है ना, इसको कर, इसका नंबरिंग भी दे सकते हैं या इसका नाम भी दे सकते हैं, इसके एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने फाइल को एक फाइल से दूसरे फाइल पे एक्टिवेट करना भी सीख लिया। अब बात करते हैं फाइल में पासवर्ड डालना। तो यहां मान लीजिए कि एक्टिव वर्क डॉट हमने प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्ट पासवर्ड डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो आपके रिव्यू टैब में जो प्रोटेक्ट होता है ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये करेगा, मतलब कि फाइल की ओपनिंग नहीं, स्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करेगा, जैसे सीट इंसर्ट डिलीट वगैरह नहीं कर सकते आप। क्या बताया सर आपने, सर रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ना, इसको ट्रिगर करता है। हाँ जी 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 जी, रिव्यू के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है उसको ट्रिगर करता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, लेकिन मुझे अपने फाइल में ओपनिंग पासवर्ड देना है, फाइल के अंदर मुझे ओपनिंग पासवर्ड देना, तो कैसे होगा, तो उसके लिए जो कोड लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड और यहां पे इक्वल पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया इस चीज को। हाँ, ये ओपनिंग पासवर्ड डाल गया, क्या डाल गया, ये तो सर जब हमारा क्या बोले सर, नहीं ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट 12 क्या चीज है ये, 12 हमारे शीट का पासवर्ड दिया, 12 जस्ट एक पासवर्ड दिया है, पासवर्ड 12 द पासवर्ड, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। हां नीचे, ऊपर नीचे वाला, ऊपर वाला जो है आपका स्ट्रक्चर को कर रहा है, नीचे वाला जो है आपका जो है ओपनिंग पासवर्ड बना रहा है, मतलब ये एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट 12, फाइल ओपन करते समय पासवर्ड पूछता है ना, जब आप फाइल डाले पासवर्ड डालेंगे तभी ओपन होगा। हाँ हाँ, वो चीजें हैं, ठीक है, समझे कमल जी, समझ में आया आपको। मेरे को भी डाउट है इसपे, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट 12 क्या चीज है, मतलब 12 पासवर्ड है यहाँ पे, 12 के जब आप ओपन करोगे तो आपको 12 ऐसा एबीसी पासवर्ड देना पड़ेगा, 123 डाल दीजिए, आप समझ में आया। लेकिन अगर वो शीट में मतलब पासवर्ड लगा है तो ही, तो हम ही लगा है रहे हैं पासवर्ड ना सर, लगा हुआ तो पासवर्ड लगा रहे हैं, हम अपने से लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ठीक है, मतलब कोई शीट खोलेगा वो तो वो पासवर्ड मांगेगा, तो abc@13 डालना पड़ेगा। हाँ, पहले तो प्रोटेक्ट से डाला फिर उसको पासवर्ड क्रिएट किया ये वाला। जी हाँ, हमने बोला एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आपको यहाँ इसका डिटेल डालना है, पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड ठीक है ठीक है, तो पासवर्ड क्या होना चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पहले हमने कहीं भी इक्वल का यूज नहीं किया है, इसमें इक्वल का यूज क्यों किया और कैसे पता चलेगा कि मुझे इक्वल का यूज करना है, समझ गए। ऑलराइट, तो डॉट, डॉट से पहले जो होता है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, डॉट के बाद को हम लोग मेंबर कहते हैं, राइट, और मेंबर जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। जो प्रोटेक्ट है ये मेथड है, क्लोज जो है मेथड है, और पासवर्ड क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो मेथड में हमेशा स्पेस दे के अपना डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में आपको, प्रॉपर्टीज में आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि मेथड है या प्रॉपर्टीज है, जैसे आप यहाँ पे स्पेस देंगे नीचे एक्सप्रेशन आ गया,
इसका मतलब है क्या है, मेथड है और इसमें नहीं आएगा। दूसरा, जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगाया और सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए प्रोटेक्ट के आगे जो सिंबल है एक बॉक्स का सिंबल है ग्रीन कलर का, ए सिंबल है आपका मेथड का और जिसपे हैंड का, ये हैंड का दिख रहा है जो प्रॉपर्टी बार जो दिख रहा है, प्रॉपर्टी बार आपका होता है, प्रॉपर्टी बार के निशान यही है ना सर, ये प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी वाले जो मेंबर होते हैं हमेशा इक्वल में होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता है या देता है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड वाला है इन्फॉर्मेशन ले रहा है राइट, और इन्फॉर्मेशन देने वाले कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एन इक्वल टू एक्टिव वर्ब गो डॉग नेम, तो क्या होगा जो फाइल का नेम है वो एन पे स्टोर करेगा, मतलब कि ले या चाहे दे दोनों में इक्वल यूज होगा, अगर लेगा तो पहले होगा और देगा तो बाद में होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ऐसे ले फुल नेम हो गया या नेम हो गया ले लीजिए, या फुल नेम हो गया या पाथ हो गया, पाथ हो गया, ये चीजें इंफॉर्मेशन आप वर्कबुक से ले सकते हैं, क्लियर है जी। अब हमने वर्कबुक के बारे में जान लिया, वर्कबुक में जनरली इतना ही करते हैं ना सर, हम फाइल ओपन ही करते हैं, सेव करते हैं, यही करते हैं, पासवर्ड ही कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शीट्स के ऊपर, ठीक है, कि शीट्स पे क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि जितने भी आप शीट्स ओपन करते हैं, जो यहाँ पे देखिए शीट्स है राइट, जितने भी आपके फाइल में शीट्स है शीट का नाम दिखेगा, मैं एक काम करता हूँ बुक वन में मैं 3-4 शीट ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दिया, तो 3-4 शीट मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें क्या है कि जितने भी शीट ऐड करेंगे सारे यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे 1, 2, 3 दिख रहा है, यहां में नाम 1, 2, 3 है, अब यहां पे देखिए कि नाम जो है ब्रैकेट से पहले भी 1, 2, 3 और ब्रैकेट में भी 1, 2, 3 है। तो शीट 1, 2, 3 जो दिख रहा है जो ब्रैकेट से पहले है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम, और जो ब्रैकेट में उसको बोलते हैं कैप्शन नेम, जो बाहर यूजर को दिखता है। यूजर ने अगर सीट का नाम मान लीजिए जैन कर दिया तो फिर देखिए ब्रैकेट में जैन हो गया, हो गया, मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर जो कैप्शन नेम है उसको कोई भी चेंज कर सकता है जो फाइल को एक्सेस करेगा, अगर आपने प्रोटेक्ट ना किया है तो। लेकिन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी वाले नाम है वो बस वही चेंज कर सकता है जो प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, मतलब कि VBA कोड को एक्सेस करता है या प्रोग्रामर कर लीजिए राइट, ठीक है। तो दोनों से हम इसको कॉल कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी नेम से कॉल करना है तो लिखूंगा सीट वन डॉट एक्टिवेट, अब एक्टिवेट की जगह पे कट कॉपी जो भी मूव वगैरह जो देते हैं हम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्कबुक में दिया हुआ राइट, ऐसे ही शीट के वर्कबुक की जगह शीट लिखेंगे, हाँ शीट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है शीट 1, 2, 3 जो नाम दिया हुआ, हाँ, हाँ, शीट 1, 2, हाँ। इसके यहाँ से आप दे सकते हैं शीट जैन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं राइट। तो ये क्या हो गया, ये इसके बाहर से जो नेम प्रॉपर्टी ने कैप्शन नेम है जो बाहर से यूजर देखता है उसके बिहाव से चलेगा। और तीसरा जो आता है वो आता है सीट का सीक्वेंस नंबर, जैसे हमने 2 डाल दिया डॉट एक्टिवेट करता हूं या सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो सीक्वेंस की पहला और दूसरा, अभी इसके जगह पे तीसरा भी आ जाएगा ना तो ये 2 पे ही देगा, पहला दूसरा, शीट नाम से कोई मतलब नहीं है, शीट का पोजीशन से मतलब रखता है, और एक आपका एक्टिव शीट का है। तो 4 जो मेथड होते हैं शीट्स के होते हैं, ये 4 तरह से शीट को हम कॉल कर सकते हैं। अब किस सिचुएशन में कॉल करें समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नेम जो है बार बार चेंज होता रहता है, मान लीजिए मंथली रिपोर्ट आपका है तो जैन का रिपोर्ट है, अगले महीने हम शीट सेम रहेगा बट जैन को चेंज करके मैं फायर कर दूंगा राइट right? तो अगर मैं इस कोड से अगर मैं चलूंगा तो क्या करना होगा कि मुझे नाम चेंज होते ही मुझे जैन को फैब में चेंज करना पड़ेगा। अभी डायनेमिक तो होगा नहीं सर,
क्योंकि हर बार कोड में फैब जाके चेंज करना पड़ेगा ना हमें, फिर अगले मार्च अप्रैल, लेकिन सीट हमारा फिक्स है तो हम यहाँ सीट वन के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि सीट वन को टू वन को चेंज करना, जो प्रॉपर्टी नेम है चेंज करना सिर्फ प्रोग्रामर के पास ही है, अब प्रोग्रामर से प्रॉपर्टी नेम चेंज करेगा तो कोड भी चेंज कर ही देगा, राइट? ओके तो जब आपका सीट का नाम बार बार चेंज होता है, सीट का कैप्शन नाम बाहर यूजर हर बार एक इंटरवल पे चेंज करता है, तो आप क्या करें, सीट की प्रॉपर्टी नेम को ही यूज करें, राइट? ओके। अब बात आती है कि आपका नेम फिक्स है, जैसे कि समरी, राइट, या डेटा, तो क्या होता है कि बाहर बार आप सीट को डिलीट करते हैं, हमने यहां से डिलीट कर दिया और फिर एक नई सीट ऐड की, उसका नाम हमने डेटा रख दिया, तो उस केस में हम सीट के कैप्शन नेम से चलना होगा, प्रॉपर्टी नेम से नहीं, क्योंकि जैसे देखिए सर, एक मिनट, ये जैसे जनवरी का था और फिर फरवरी आया, तो ये हम बार बार इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे आके, ऐसा नहीं, आप नहीं समझे, देखिए सिंपल सी बात समझिए, आपके पास चार मेथड है, राइट? अब चार में से कोई एक ही यूज करेंगे, किस सिचुएशन में किसको यूज करेंगे मैं वो समझा रहा हूँ। तो पहला हमने समझाया कि अगर आपका जो सीट नेम, सीट आपका फिक्स है, हर बार रिनेम हो रहा है, तो आप जो है उसका कैप्शन नेम सेकेंड कोड को नहीं लेके चलो, आप जो है सीट डॉट वन सी उसकी प्रॉपर्टी नेम के साथ चलो, अच्छा, क्योंकि बार बार नेम करेगा तो कैप्शन का नेम यहाँ चेंज करेगा ना, इसका प्रॉपर्टी नेम सेम रहेगा, सेम रहेगा, अच्छा अच्छा, जी 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 जी, समझ गए। दूसरा है कि हम प्रॉपर्टी नेम कब यूज नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरा नेम फिक्स है, जैसे डेटा हो गया, समरी हो गया, रिपोर्ट, ऐसे कॉमन नेम जो फिक्स होते हैं, बट क्या होता है कि हर बार जब मैं नया डेटा या नया सीट बनाता हूँ तो पुराने सीट को डिलीट कर देता हूँ, तो जब पुराने सीट डिलीट होकर नई सीट ऐड होती है तो उसका प्रॉपर्टी नेम अलग होता है, जहाँ देखिए डेटा शीट था, शीट थ्री पहले से डेटा थी, मैंने डिलीट कर ऐड किया तो डेटा नाम चेंज कर दिया, तो कैप्शन का नेम तो डेटा रहा ही रहा, बट आपका प्रॉपर्टी नेम सीट फोर हो गया, अभी सीट फोर हो गया तो मतलब कि मुझे इसको लेके नहीं चलना है, हमें इसको लेके चलना है, राइट? तो यहाँ पे फैब के जगह पे मैं डेटा डाल दूंगा, अब सीट कितना भी डिलीट हो, इंसर्ट हो, बट नाम अगर डेटा है तो उसको पिक कर देगा, समझ गए? तीसरा जो इसमें आता है, तीसरा आता है आपका सीक्वेंस नंबर, अब आपको पता ही नहीं है कि सीट का क्या नाम है, कैप्शन नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, कुछ पता ही नहीं है, वहां पे हम इसको लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक फोल्डर है, एक फोल्डर में 20 फाइल है, 20 फाइल का पूरा डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, बट हमें पता नहीं है कि 20 फाइल के सीट्स के नेम क्या है, तो हम उसके सीक्वेंस ले लेंगे, ठीक है ना? ओके। तो इसका यूज करते हैं, और एक्टिव सीट पर पता ही है, जो सीट एक्टिव होती है उसको एक्टिव सीट कहते हैं, अब इन चारों में से कोई एक आप अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे। अब चलिए बात करते हैं शीट को आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा शीट्स डॉट ऐड, राइट? क्या हुआ, एक नई सीट ऐड हो गई, समझ गए? शीट डॉट ऐड, हमने एक नई सीट को ऐड कर लिया, लेकिन जो सीट ऐड हुई है उसको रिनेम करना है, तो यहां हम लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, जो देना है दे दीजिए, राइट? आप लेकिन सीट को नाम करने का मेथड क्या है, मतलब कि कोड ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आपको सीट किसी पर्टिकुलर सीट वन को या सीट टू को रिनेम करना है, तो इस तरह से लिखेंगे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि नाम क्या है यहाँ पे, अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं क्योंकि ऐड, अब उसके बाद अगर मुझे पता है कि सीट ऐड करके रिनेम करना ही है, तो डायरेक्ट हम शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम, जैसे हमने वर्कबुक में लिया इक्वल टू, राइट सर, इकट्ठा हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये तो हो गया, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शीट ऐड करेंगे तो होगा ऐड कहाँ, तो ये जो होगा बिफोर एक्टिव शीट, जो आपका एक्टिव शीट है उससे पहले होगा, बट यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से अपना शीट
चूज कर सकते हैं कि मुझे किस सीट से पहले, मैं चाहता हूँ फैब से पहले हो, तो सीट्स और यहाँ पे हमने फैब दे दिया। अब यहाँ भी सीट का नेम देते समय ऊपर नेमिंग मेथड का इस्तेमाल करना होगा, ध्यान रखिएगा। मुझे सीट ए, अब क्या होगा एड जो होगा वो क्या होगा, जो एक्टिव फैब सीट से पहले होगा, या फिर इसमें डजंट मैटर एक्टिव है। हाँ, उसे पता नहीं होता। अब यहाँ भी आता है कि मुझे आफ्टर करना है, मुझे मान लीजिए जैन के बाद करना है, तो आप एक कॉमा दे दीजिए तो आफ्टर स्किप हो जाएगा क्योंकि वो ब्लैंक हो गया तो स्किप हो गया, बिफोर सॉरी स्किप हो गया, आफ्टर आपका यहाँ बोल्ड हो गया ना, चल देख रहे बोल्ड हो गया, तो इसके बाद ऐड होगा। लेकिन मुझे जो है सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे तीन दे दिया कि तीसरे सीट के बाद ऐड। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तीन नंबर दिया है अभी तीन सीट है, लेकिन हो सकता है पहले चार दस बीस सीट हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट्स डॉट काउंट, ठीक है, क्या लिखेंगे सीट्स डॉट काउंट, काउंट करके उस सीट के बाद ऐड करेगा, लेकिन एक सीट ऐड करेगा, लेकिन मुझे चाहिए चार सीटें, तो हम कॉमा करके यहाँ काउंट लिखा है ना, इस काउंट में मैं फाइव कर देता हूँ, अब फाइव सीट एक ही बार में ऐड हो, लेकिन रीनेम किसी एक को ही करेगा क्योंकि तो पांच ऐड होगा तो थोड़ी होगा पांचों का नेम डेटा कर देगा, किसी एक का नाम डेटा कर सकता है ना, तो हाँ जी। तो सीट को हम ऐड करना सीख लिए, रीनेम करना सीख लिए, अब बात करते हैं सीट को मूव या कॉपी करना। जैसे मैंने लिखा कि सीट वन डॉट मूव, राइट, आपने जैसे सीट वन डॉट मूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, इस फाइल को एक नई वर्कबुक में ऐड कर देगा, कहाँ ऐड कर देगा, नई वर्कबुक, उस वर्कबुक को सेव करना है, तब यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव ऐड कर लीजिए, वर्कशीट नहीं सेव होता है, वर्कबुक सेव होता है, और बात दे दीजिए अपना, ठीक है। लेकिन मुझे जो मूव करना है वो इसी सीट के, मुझे जो मूव करना है इसी सीट के फैब के फैब से पहले करना है, तो यहाँ जैसे यहाँ पे ऐड में जो था ना बिफोर एंड आफ्टर था, वैसे यहाँ भी है बिफोर एंड आफ्टर, जिसके बिफोर या जिसके आफ्टर करना है उस पे उसका शीट का नेम या उसका काउंट दे दीजिए, बिफोर में जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे मूव जो करना है इस सीट के नहीं, मेरा जो दूसरा फाइल ओपन है हमारा बुक टू ओपन है, बुक टू के सीट वन से पहले हो, तो मुझे इसके आगे उस वर्क बुक्स और यहाँ पे बुक टू डॉट एक्सएलएस एम, क्योंकि मेरा एक्सएलएस एम है यहाँ पे एक्सटेंशन, और यहाँ पे फिर शीट्स में फिर यहाँ पे शीट वन देना, ठीक है। लेकिन ये बुक टू ओपन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं मूव हो, राइट, ठीक है। अब मूव की जगह पे हम कॉपी चाहते हैं, मूव ना हो कॉपी हो जाए, तो जहाँ आपने मूव लिखा है ना बस उस पर कॉपी लिख दीजिए, बाकी सब चीज सेम है इसका, ठीक है। हाँ जी, राइट, अब कॉपी होगा, पहले वो मूव हो रही थी, अब वो कॉपी, डेटा कॉपी होगा जी, जी। अब बात करते हैं शीट को डिलीट करने की, तो शीट वन डॉट हमने डिलीट लिख दिया तो डिलीट कर देगा, लेकिन जब किसी शीट को आप डिलीट करते हैं ना, किसी भी शीट को आप डिलीट करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने किया डिलीट, तो आपसे कंफर्मेशन मांगता है ना, एक कंफर्मेशन आ जाए, और जब तक आप डिलीट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ेगा, अगर आपने कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो एरर देगा, तो आप चाहते हैं कि वो डिलीट के लिए कंफर्मेशन आए ही ना, तो आपको यहाँ लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, हमने डिस्प्ले अलर्ट को यहाँ पे फॉल्स कर दिया, अच्छा। तो आपका जो डिस अलर्ट है वो अलर्ट आपका आएगा ही नहीं, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, जी हाँ। अब दूसरी बात आती है, हम सीट को हाइड अनहाइड करना चाहते हैं, तो सीट वन डॉट विजुअल, सीट वन डॉट विजुअल, अब यहाँ इक्वल करते हैं तीन चीजें, अगर हमने सीट हिडन कर दिया तो ये नॉर्मल हिडन होगा, जो कि हाइट यहाँ से जब हाइट करते हैं ना सर, और फिर वापस इसको हाइट कर सकते हैं, ये नॉर्मल हिडन है। लेकिन इसी में हमें लिखा सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू
वेरी हिडन। अब जो हाइड होगा उसके लिए आपको कोर्ट में जाके प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ से विजुअल करना होगा या फिर आपको माइक्रो बना के रन करना होगा कि डॉट विजुअल इक्वल टू विजुअल। नॉर्मल कोई भी इसको यहाँ से विजुअल नहीं कर सकता है। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको क्या कर दिया, विजुअल कर दिया। अब यहाँ पे करते हैं शीट वन डॉट प्रोटेक्ट, हम पासवर्ड देना चाहते हैं। इसमें इक्वल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड है पासवर्ड। तो जब राइट क्लिक करके जब शीट को प्रोटेक्ट करते हैं ना यहाँ से, तो प्रोटेक्ट करता है। अब बहुत सारे चेकबॉक्स दिख रहे हैं ना, जैसे मैंने शॉर्ट पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद भी शॉर्ट करेगा। तो यह चीज यहाँ भी है, मुझे शॉर्ट यहाँ अलाउ शॉर्टिंग दिख रहा है, इस पर जाना है। तो दो तरीके हैं, आप कॉमा 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 करके देखते रहें कि कहाँ पे अलाउ शॉर्टिंग आ रहा है। अलाउ शॉर्टिंग आप यहाँ पे ट्रू लिखते हैं, राइट। दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ प्रोटेक्ट का ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो आप यहाँ पे देते हैं मेंबर लगाते हैं उसका भी। तो यहाँ पे आपको दूसरा तरीका है कि आपको इस तरह से लिखे कि पासवर्ड यहाँ पे कॉलन इक्वल टू यहाँ पे पासवर्ड, देन कॉमा अगेन आ लिखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ, अलाउ शॉर्टिंग, डबल एल ओ अलाउ एस ओ आर टी आई एन शॉर्टिंग इक्वल टू सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इक्वल टू सेमी कॉलन इक्वल करते ही बोल्ड हो गया, हो गया बोल्ड सर। तो दो तरीके हैं इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है कि आप उसे सिक्वेंस को फॉलो कर लीजिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते, ठीक है। okay. अभी इसमें ऊपर वाले मेथड से क्या होता है कि किसी को देखना है कि ट्रू किस चीज के लिए डाला हुआ है, तो यहाँ वो स्पेस डाल के देखेगा और ये इस पे कर्सर रखेगा, तब पता चलेगा कि अलाउ शॉर्टिंग है। बट इसमें इजीली पता चल रहा है कि पासवर्ड वन टू है और अलाउ शॉर्टिंग ट्रू है, ठीक है। okay. तो यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम सीट का बैकग्राउंड कलर सीट वन डॉट टैब डॉट कलर, यहाँ पे वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजंटा जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्लियर है। तो हम वर्कशीट पे इतना यूज करते हैं या कुछ और भी करते हैं? बाकी चीजें तो हम इसके पे रेंज पे करते हैं ना, डेटा डालना, डेटा कॉपी करना, डेटा पेस्ट करना, पेज स्पेशल करना, फिल्टर लगाना, ये सब तो हम रेंज पे करते हैं ना। तो चलिए रेंज को भी समझते हैं कि रेंज का क्या है। तो रेंज को कॉल करने का तरीका समझ जाइए क्या है। तो रेंज को कॉल करते हैं, रेंज यहाँ पे आप लिखते हैं ए वन डॉट सेलेक्ट, राइट। तो ये कर्सर ए वन पे चला जाएगा, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं सेल्स वन कॉमा वन डॉट सेलेक्ट। तो ये R1 से बन के रो नंबर वन एंड कॉलम नंबर वन, मतलब वन यहाँ पे रो है और दूसरा वन कॉलम। हमारे मुझे C4 यहाँ पे C4 पे चाहिए, तो आपको यहाँ पे रो नंबर फोर कॉलम नंबर थ्री करना पड़ेगा, ठीक है या फिर मैं लिख दूँ C4? नहीं थ्री करना पड़ेगा, करेक्टर नहीं लेगा, नंबर ओनली फॉर नंबर, नहीं रेंज में अगर लिखता हूँ। हाँ C4 रेंज में, हाँ C4 का। अब एक एरिया की बात करें, मान लीजिए मुझे A1 से लेके D8 लेके जाना है, तो यहाँ लिखना होगा रेंज A1 से लेके D8 डॉट सेलेक्ट, राइट। ये तो BVA एक्सेल मेथड है, BVA का मेथड होता है रेंज A1 कॉमा D8 डॉट सेलेक्ट, राइट। रेंज A1 डीएस में, लेकिन मुझे कंट्रोल A करना है, तो उसका क्या होता है, आप एक पोजीशन ले लीजिए कि A1 और डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे A/A डॉट सेलेक्ट। अगर मान लीजिए कि मुझे रो सेलेक्ट करना है पूरा का पूरा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 से 1 डॉट सेलेक्ट।
पूरा का पूरा सीड ये सिलेक्ट सर करना है। करंट करंट रीजन क्या है, रेंज एवन करंट रीजन? कंट्रोल ए अच्छा, और सब सिलेक्ट जो भी काम कर सिलेक्ट हो। उसके बाद मुझे ओके पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सेल्स डॉट सेलेक्ट, तो क्या करेगा पूरा का पूरा शीट को सर, सेलेक्ट करेगा। ये जो पहला और दूसरा लिखा आपने ए रेंज A1 और D8, इसमें क्या फर्क है दोनों में, मतलब नीचे? इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें और देखिए ये जो उसमें वाला? मेथड है एक्सेल का मेथड, जब एक्सेल पे जाके जो फॉर्मूला आप लगाते हैं तो इसी में सीधा से मेथड देते हैं ना रेंज, हाँ वो मेथड हाँ है। ये VBA का मेथड है कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। जब आपको आगे आगे जब मैं बताऊंगा कि हम ऑटोमेट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। डायनेमिक सिलेक्शंस के लिए हम इसी कोड का यूज करते हैं, क्योंकि इस पे डायनेमिक नहीं होगा, समझे? ये स्टार्टिंग की आपने कहा स्टार्टिंग शिफ्ट दबा के और लास्ट पे क्लिक कर दिया, डेटा सेलेक्ट हो गया, तो ये मेथड ए करता है, राइट? अब किसी सेल पे टाइप कैसे करेंगे, तो देखिए रेंज A1 डॉट वैल्यू, और यहाँ पे डाल दीजिए जो भी लिख डालना है नेम वगैरह। अब यहाँ चीज देखिए, जैसे आपने रेंज A1 डॉट सेलेक्ट किया तो मुझे ये एक्टिव शीट पे सिलेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि शीट 2 के A1 को सिलेक्ट करे, तो मुझे यहाँ शीट 2 पे पहले जाना पड़ेगा, शीट 2 डॉट सेलेक्ट, राइट? अगर मान लीजिए बुक 2 के शीट 2 पे A1 को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा बर बुक्स, और यहाँ पे हमें लिखना होगा बुक 2 डॉट XLSM डॉट एक्टिवेट, राइट? पहले उस शीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा जी। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे से मान लीजिए कि मुझे शीट 2 के A1 पे चाहिए, तो मुझे इसके आगे लगाना होगा शीट्स, और यहाँ देना होगा शीट नेम, शीट 2 डॉट रेंज डॉट नेम, राइट सर? और किसी फाइल के अंदर, तो फाइल हमारा ओपन होना चाहिए और इसके आगे फाइल कर उसके तो टैब हाँ, डिफरेंट उसको टैब, हाँ, एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जाके नाम डाले, मतलब अगर सेम विंडो सेम दिखता रहेगा ऐसा और चला जाएगा वहां सेम वर्कबुक है तो नहीं, वर्कबुक अलग अलग है ना, यहाँ पे बुक वर्कबुक 2 है, बुक 2 है ना सर? वर्कबुक अभी हम बुक 1 में, अभी हम बुक 1 में कोड कर रहे हैं, कहाँ कोड कर रहे हैं? बुक 1 में, बुक 1 में, हमने बुक 2 में कोड डाली है, नेम डाला है, बुक 1 के शीट 2 के A1 पे जाके डाला है, बुक 1 हमारा ओपन है, अगर बुक 2 सॉरी हमारा ओपन है, अगर बुक 2 ओपन नहीं होता तो फिर कोड एरर देगा आपको, नहीं वर्क करेगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। अब चलिए इसमें और इसकी बारे में समझते हैं, बस आपको एक बार रिज्वाइन करना पड़ेगा कि 45 मिनट पूरा हो चुके हैं, एक बार और रिज्वाइन करना पड़ेगा, एक बार रिज्वाइन कीजिए। तो यूट्यूब और जो हमारे मोबाइल ऐप पे जो देख रहे हैं, आप इसी तरह से प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, आप अपने साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस को भी ले सकते हैं जूम ऐप के थ्रू। तो फटाफट मेरी वेबसाइट IBT इंडिया लॉगिन कीजिए और मेरी डेमो क्लास का फॉर्म फिल कर दीजिए मेरे ऐप पे। Recording in progress. अब चलिए हम बात करते हैं इसमें कि अब हमने क्या किया, नाम डाल दिया। तो हमने आपको बताया कि मैंने बोला कि रेंज A1 डॉट वैल्यू हम इक्वल टू मान लीजिए नेम डाल दिया या कुछ भी नंबर भी डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेंज A1, अब डॉट डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं रेंज A1 डॉट फॉर्मूला और यहाँ पे अपनी वैल्यू दे सकते हो।
वैल्यू डालते समय आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही किसी और सेल की वैल्यू, मान लीजिए कि मुझे D20 की वैल्यू A1 पे डालना है, तो D1 की वैल्यू A1 पे डालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज A1, रिसीवर यही है जिसमें वैल्यू डालेगी, इक्वल टू रेंज D1 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू डल रही है उसमें वैल्यू और फॉर्मूला उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है कि D1 डॉट वैल्यू कर दिया, अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मूला है इक्वल 20+30, तो कोई इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल जो वेब पेज से जो वैल्यू करते हैं 50, ऐसे 50 टाइप करते हैं। लेकिन जैसे हम इस वैल्यू को हटा के डॉट फॉर्मूला कर देते हैं तब क्या होगा, फॉर्मूला को वो करेगा वैल्यू, तब यहाँ पे क्या करेगा, इसकी फॉर्मूला को कॉपी करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, राइट। और इक्वल को भी ले लेगा, वो इक्वल लगने के कारण क्या होगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस दे देगा आपको रिजल्ट, ठीक है। अब चलिए हम कॉपी पेस्ट के बारे में बात करते हैं कि मुझे कॉपी पेस्ट कैसे करना है। मान लीजिए मुझे A1 की डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है A3 में, तो यहाँ हम लिखते हैं रेंज A1 डॉट कॉपी, राइट, फिर रेंज A3 डॉट, यहाँ पेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पेस्ट जो है वो सीट का पार्ट है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, राइट। लेकिन हमें पेस्ट करना है ना सर, तो हम यहाँ पे पेस्ट पार्ट नहीं है बट पेस्ट स्पेशल पार्ट है, पेस्ट स्पेशल में ऑल ले लेते हैं, तो पेस्ट के जैसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि मुझे यहाँ A1 कॉपी करके F5 में जाके A1 पे पेस्ट करना है, राइट। तो अगर आप एक्टिव सी डॉट पेस्ट वाला मेथड लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा रेंज A1 डॉट कॉपी, आपने कॉपी किया, फिर जाएंगे सीट जैन डॉट सेलेक्ट, राइट, उसके बाद इसके रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे सिलेक्शन सेलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट या सीट डॉट जैन डॉट पेस्ट, राइट, कर सकते हैं। लेकिन आप इस पेस्ट स्पेशल लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कीजिए और इसके आगे लगा दीजिए, ठीक है। वो बिना सीट पे सीट फैब पे जा ही पेस्ट कर देगा, सीट फैब में जाने की जरूरत नहीं है, बिना गए ही वो पेस्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर है सर, विदाउट इसमें विदाउट नहीं है सर, क्योंकि वो आपने शीट्स डॉट जैन जो जैन पहले लगाया है ना, दैट मींस वो हम सिलेक्टिव मतलब एक तरह से सिलेक्ट कर लिया है, उसके ऊपर जा रहे हैं सर, बिना गए हम A1 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ना ना, हमने क्या बोला कि जब तक उस सीट पे हम जाएंगे नहीं तब तक उसको हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के लिए उस सीट पे जाना ही पड़ेगा सर, माने सिलेक्ट मतलब कर्सर रखना। अब आप बिना फैब पे जाए कर्सर रख सकते हैं, नहीं जा सकते ना, आपको फैब के वन पे कर्सर रखना, जाके कर्सर जिस तरह से रखना पड़ेगा ना, लेकिन जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो डायरेक्ट सीट पे फैब सीट पे गए बगैर वो क्या करेगा, पेस्ट भी कर देगा साथ में वैल्यू भी डाल देगा, चाहे वो इसी फाइल में हो या अनदर फाइल में, ओके। अब पेस्ट के बारे में जानते चीज और भी जानी है, जैसे मान लीजिए मैं D1 को कॉपी करके A2 से लेके A10 तक को पेस्ट करना चाहता हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं कि रेंज D1 डॉट कॉपी और फिर रेंज A1 से A10 या A2 से A10 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है, सिलेक्ट, तो पेस्ट स्पेशल सिलेक्ट की जरूरत नहीं है, अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको एक्टिव शीट डॉट पेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है।
ठीक है। जी लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप डी वन से अगर आपके पास डी फाइव है तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि वन टू मैनी हो सकता है, सेम टू सेम हो सकता है, बट मैनी टू मैनी नहीं हो सकता है। मैनी टू मैनी नहीं होगा। हाँ यहाँ पे आप डी टेन से सेम है तो सेम पेस्ट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं आप, बट दो और चार कैसे होगा, चार सेलेक्ट करके आपने दो सेलेक्ट कर रखा है, तो सही तरीके से खाए तो एरर देगा या फिर किसी सही तरीके से पेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सर? जी। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो सर ये जो हम जैसे ये जो लिख रहे हैं फॉर्मूला, इसको मतलब ये हमारा इसमें कोई एरर नहीं है, वो कैसे चेक? नहीं अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सर, ये सब तो अच्छा। एक साथ रन नहीं कर सकते, अब आपको क्या करना है, इन सारों कोड को वन बाय वन रन करना है, ठीक है ना सर? जब हम आपको प्रोजेक्ट कराएंगे ना सर, जब कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे उसमें हम बताएंगे कि एरर क्या आ रहा है, कैसे ट्रिगर करें, अभी तो मैं कोड समझा रहा हूँ सर। जैसे ओके, ओके। वर्ड मीनिंग कैसे होता है सर? समझ गया सर, पहले वर्कबुक और हाँ बता दिए कि शीट शीट के ऊपर जो हम काम करते हैं उसका कोड क्या होता है, वर्कबुक पे काम करते हैं उसका कोड क्या होता है, रेंज पे जब हम काम करेंगे तो उसका कोड क्या होगा, उसका कोडिंग ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि आज बहुत सारी चीज पढ़ा दिया है, उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कल की क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है, तो कल हम एक दो प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है ना, साथ में सिलेक्शन में थर्ड करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन जो भी है कि जब तक सिलेक्ट नहीं करते तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। चलिए, और नेक्स्ट वीक से रुपेश जी आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से ये चले जाएंगे डिटेल वीवीए में और चले जाएंगे आप डैशबोर्ड में आप, ठीक।